नमस्कार, मैं हूं शिल्पी सेन और आप देख रहे हैं नवोदय प्लस टाइम्स। आइए डालते हैं नजर आज की इस खबर पर। उत्तर मध्य रेलवे के झांसी मंडल में रेलवे के कोचों को आइसोलेशन वार्ड में तेजी के साथ तब्दील किया जा रहा है। आज इसका निरीक्षण रेलवे के अधिकारियों ने भी किया। वरिष्ठ मंडल यांत्रिकी अभियंता करुणेश श्रीवास्तव ने बताया कि प्रत्येक कोच में 8 केबिन बनाए गए हैं ताकि एक कोच में 8 मरीजों को भर्ती किया जा सके। इसके अलावा इनमें डॉक्टर्स तथा पैरामेडिकल स्टाफ के बैठने का केबिन, उनके चिकित्सा उपकरण रखने का केबिन, ग्लूकोज की बोतल आदि टांगने की व्यवस्था भी की गई है। प्रत्येक कोच में मरीजों के लिए अलग से बाथरूम भी बनाया गया है, जिसमें कोरोना को ध्यान में रखते हुए सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। कोच की प्रत्येक दरवाजे और खिड़की पर मच्छरदानी लगाई गई है। उन्होंने बताया कि 9 अप्रैल तक झांसी मंडल दिए गए लक्ष्य के अनुरूप इन कोचों को आइसोलेशन वार्ड में तब्दील कर देगा ताकि 10 अप्रैल से जहां आवश्यकता पड़े वहां कोचों को रवाना किया जा सके। आज आप लोगों ने कोच आइसोलेशन वार्ड से रूप में परिवर्तित किए हैं, क्या है इसकी पूरी डिटेल? देखिए, रेलवे बोर्ड के दिशा निर्देशानुसार ये कार्य किया जा रहा है, कोचों को आइसोलेशन वार्ड में तब्दील कर रहे हैं। तो ये अभी हमारा ये फिनिशिंग टच किया जा रहा है। इसमें एक केबिन में एक ही पेशेंट को रखने की व्यवस्था है। साथ ही साथ जो अन्य जो केबिन्स हैं उनमें से एक केबिन के लिए हम पैरामेडिकल स्टाफ और मेडिकल स्टाफ के लिए रखे हैं। उसमें हम लोगों ने 3 टाइप की ये डस्टबिन भी हैं, जिससे अलग अलग जो चीज़ें हैं वो अलग अलग डस्टबिन में डाली जाएंगी। इसमें हमने ये जो बाथरूम्स हैं उसमें भी थोड़ा चेंज किया गया है। उसमें हमने बाथरूम को एक बाथरूम का ही सेप दिया है और साथ ही हैंड शावर भी लगाया गया है। और जो वॉश बेसिन हैं उसमें हमने जो टैप हैं स्पेशल टैप की लगाई गई हैं, वो जो 90 डिग्री पर भी आप रोटेट कर सकते हैं, मतलब उसको आप हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं होगी, कोनी से ही आप उसको खोल सकते हैं। सर, विंडोज़ में आपने नेट वगैरह लगाई है, इसका क्या? देखिए, इसका उद्देश्य यही है कि मॉस्किटो नेट है कि इसमें मच्छर आदि प्रवेश ना करें, इससे जो उनको जो आइसोलेशन में रखा गया है वो अपना सेफली रहें। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए झांसी से साहिद खान की रिपोर्ट।